ये देखिए जो मैंने कहा है, पैरों पर आप देख सकते हैं ये नीली नील नसें साफ नज़र आ रही है। अतुलित बलधामम हेम सेलाबधेहम, हनुमान जी महाराज के मंत्र में आप पढ़ते हैं, ये आज आप प्रमाणित देख रहे हैं। ये प्रकट ही हुए क्योंकि ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसी अलौकिक मूर्ति, ऐसा तेज, ऐसे नसों का दिखना, ये अपने आप में एक चमत्कार है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। मित्रों, मैं मानता हूँ कि मेरा चैनल अगर किसी चीज से चलता है तो वो हनुमान जी महाराज की कृपा से चलता है। मेरे इष्ट हैं सालास हनुमान जी महाराज, और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मुझे हनुमान जी अपने आप बुला ही लेते हैं। आज मैं आपको धौलपुर की पुरानी छावनी स्थित हनुमान जी महाराज के दर्शन करवा रहा हूँ। एक ऐसे हनुमान जी जो आपको बताएं कि साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। गर्मी होती है तो इंसानों को पसीना आता है, लेकिन आपने कभी देखा है कि भगवान को भी पसीना आ जाता है? ये प्रमाणित करता है कि ये दिव्य स्वरूप, दिव्य छवि हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी महाराज के शरीर की नसें तक दिखती है, जैसे कई बार हम देखते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी नसें खड़ी हो जाती है। और हनुमान जी महाराज से बलशाली तो इस सृष्टि में कोई है भी नहीं, वीर हनुमान है, अतुलित बल धामम जिनको कहा जाता है। आइए ऐसे हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको करवाते हैं, आइए दर्शन करते हैं। विशाल प्रतिमा है, लगभग 6 फीट ऊंची है, और आप देखिए चेहरे पर भी आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज के नसें दिखाई दे रही है, हाथों पर भी आप देख सकते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, हाथों में गदा और पर्वत, सृष्टि के सबसे बलवान देवता हनुमान जी महाराज लंका में किस तरह से रावण को चुनौती दी थी और लंका को जला डाला था हनुमान जी महाराज ने, और जब संजीवनी बूंटी की जरूरत पड़ी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए तब आप संजीवनी लेकर आए थे। रामदूत जिनको कहा जाता है, इसे हनुमान जी महाराज के दर्शन आज आप धौलपुर के पुरानी छावनी से कर रहे हैं। और पुनः बता दूं, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को पसीना आता है, कहा नहीं जाता है, ये आप देख भी सकते हैं, हाथों पर चेहरे पर नज़र भी आ रहा है। बहुत गर्मी है आज, टेम्परेचर इस समय 48 डिग्री सेल्सियस है, और कहते हैं हनुमान जी महाराज के शरीर की चेहरे की नसें दिखाई देती है, और आप देख भी सकते हैं, अद्भुत दिव्य अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं पुरानी छावनी धौलपुर से। अब शिवालय के दर्शन करते हैं। रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज, भगवान शिव के अवतार हैं, तो रुद्र के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज के हाथ में जो पर्वत है उस पर मंदिर भी नज़र आ रहा है, दिव्यालौकिक दर्शन आप कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के। धौलपुर की पुरानी छावनी में एक दिव्य चमत्कारी हनुमान जी महाराज का मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी महाराज के शरीर की नसें नज़र आती है, हनुमान जी को गर्मी में पसीना आता है। और मंदिर की पूरी जानकारी देने के लिए इसी गांव के निवासी और धौलपुर के पार्षद राम जी हमारे साथ हैं, राम जी शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मंदिर के बारे में जो खास चीज़ें, जो खास चमत्कार, वो बताइए। जय श्री राम। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, मैंने अपने जीवन में काफ़ी घूमा हूँ, मैंने ऐसी प्रतिमा हनुमान जी की नहीं देखी है। यहाँ पर साक्षात जिस तरीके से अपने शरीर पर नसें दिखती हैं, इस तरीके से हनुमान जी के नसें दिखती हैं,
और गर्मियों में बताते कि इनकी सिर पे पसीने की बूंदें भी आ जाती हैं, इसीलिए वहाँ पर पंखा भी लगा रखा है। इसकी अगर इतिहास की बात करें तो मैंने अपने गांव में अपने बुज़ुर्गों से पूछा है, कई बुज़ुर्गों से पूछा कि ये मूर्ति कैसे यहाँ पे आई, मतलब ये मूर्ति कहाँ से आई थी। तो वास्तविकता तो ये है कि कई लोगों ने अलग अलग इतिहास बताया, कई बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि यहाँ के जो राजा थे, राजा को स्वप्न दिया था कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर विराजमान हूँ। एक बुज़ुर्ग ने बताया कि ये तो साक्षात प्रकट हुए थे, ये कहीं से भी नहीं लाएगी। तो इस तरीके से कई मान्यताएं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका इतिहास कोई जानता है नहीं, क्योंकि अजर अमर है, प्रकट हुए क्या हुए। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि शायद ये प्रकट ही हुए, क्योंकि ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसी अलौकिक मूर्ति, ऐसा तेज, ऐसे नसों का दिखना, ये अपने आप में एक चमत्कार है। जय श्री राम। निश्चित रूप से अद्भुत हैं जो कुछ इन्होंने बताया है कि ये स्वयं प्रकट हैं हनुमान जी महाराज, क्योंकि ऐसी प्रतिमा बनती नहीं है। आँखों का तेज, चेहरे का तेज, चेहरे पर पसीने की बूंदी दिखना, ये सब अपने आप में चमत्कार हैं। और हनुमान जी महाराज तो साक्षात भगवान है कलयुग में, और सबसे ज़्यादा जिनको पूजा जाता है वो हनुमान जी महाराज है, अजर अमर का, जिनको माँ सीता और भगवान राम से वरदान प्राप्त हैं। इसी मंदिर में प्राचीन भगवान राम का मंदिर है, जिसकी स्टोरी मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। 5 मूर्तियाँ निकली, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की मूर्तियाँ अलग स्थान पर गई, राम जी की मूर्ति यहाँ पर है। भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं, प्राचीन प्रतिमा है राम जी की, अष्टधातु प्रतिमा है, साथ में आप देख रहे हैं पाषाण मूर्ति है माँ सीता की, संगमरमर की, राजा महाराजा काल की प्राचीन प्रतिमा है। ये मूर्ति की विशेषता देखिए, इस एक ही मूर्ति में भगवान के जितने अवतार हैं वो सभी नज़र आते हैं। 24 अवतारों की मूर्तियाँ एक मूर्ति में हैं, और जो कलयुग का अवतार है भगवान का, कल के अवतार, वो भी इसमें नज़र आता है। निश्चित रूप से एक दिव्य अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। धौलपुर पुरानी छावनी के राम जी के मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं लेता हूँ, देखिए ऊपर जो एक मूर्ति आपको नज़र आ रही है घोड़े पर दाईं ओर, वो कल के अवतार है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सभी अवतारों की मूर्तियां इसमें नज़र आ रही है। 24 अवतार भगवान के जो हुए हैं, उन 24 अवतारों के दर्शन इसी भगवान की प्रतिमा में हो रहे हैं। ये देखिए चरणों में भी आप देख सकते हैं सारे अवतार हैं, हनुमान जी, महादेव जी, सारे अवतार, सब अवतारों की मूर्तियाँ एक ही मूर्ति में है। बहुत प्राचीन मूर्ति है ये भगवान राम की। ये मूर्ति सीता मैया की, तो ये बाद में लगी होगी। हाँ, ये बाद में इनको इस अकेले थे स्थापना, इसलिए हाँ अकेले भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो राम जानकी की मूर्ति है। ये संगमरमर की मूर्ति आप देख रहे हैं। मित्रों, इस मूर्ति का बहुत प्राचीन इतिहास है। बताया जाता है खुदाई में भगवान राम दरबार की सारी मूर्तियाँ निकली थी और अलग अलग स्थानों पर विराजमान हुई। केवल राम जी यहाँ पर विराजमान हुए, हनुमान जी कहीं और, लक्ष्मण जी कहीं और, सीता जी कहीं और। तो ये पूरा इतिहास ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि पुजारी जी हैं यहाँ के, उनसे जानना चाहेंगे। पुजारी जी, इससे मंदिर की इस मूर्ति की खासियत क्या है बताइए। खासियत ये है कि ये तो मतलब एक तिमनगढ़ का किला है, करौली और धौलपुर और भरतपुर की सीमा के पास, तिमनगढ़ का किला। वहाँ एक शराब लगा हुआ था, एक नटनी का शराब, राजा ने शराब दिया था नटनी को, कह मतलब मैं तुझको आधा राजपाट दे दूंगा, तू मतलब 1 किलोमीटर के ताल पर सूत पर चल के आ। अच्छा, सूत पे। हाँ। जब सूत पे चल के वो जब चालू हुई तो उसने सारी व्यवस्थाएं जो काटने वाली थी वो आंक दी थी, सारी टोटल पूरी व्यवस्थाएं आंक दी थी। तो भी उसके राजा के बेईमानी आ गई थी, मतलब बेईमानी आ गई, देना पड़ेगा। तो उसने वो सूत किस चीज, कौन सी चीज नहीं आंकी है इसने, कि रापी नहीं आंकी है, जो जाटव की रापी होती है वो नहीं आंकी है, तो उससे इसको कटवा। जब वो सूत पे गिरी तो शराब दे गई थी कि सब लोग पत्थर के हो जाओगे, टोटल लोग जितने भी हैं वो पत्थर के हो जाओगे। तो उसी टाइम स्पॉट पर पत्थर के हो गए भगवान राम, भाई इनके लक्ष्मण, माँ जानकी, सीता मैया, वो पत्थर की नहीं हुई थी, वहीं से जो प्रतिमाएं जमीन से निकली थी, उस जगह से ही निकली थी। इसमें अवतारों की भी, ये 24 अवतार है। माँ कौशल्या को जो दर्शन दिए विराट रूप, भगवान का जो विराट रूप है, माँ कौशल्या को दर्शन दिए, दशरथ जी को दर्शन दिए, वो विराट रूप है। इसमें 24 मतलब अवतार है, लास्ट में जो कलंकी अवतार होगा वो भी दर्शाया है प्रतिमा में। इसमें
सुने कल के अवतार भी इसमें दर्शन होते हैं और एक नटनी के श्राप के वशीभूत सारे प्रजा राजा सब जो हैं वो पत्थर के बन गए। वहाँ पर मंदिर में जो मूर्तियाँ थी वो वहाँ से जमीन में चले गई और फिर खुदाई में निकली अलग अलग स्थानों पर, और यही इतिहास इस मंदिर का है। और अपने आप में बहुत दिव्य प्रतिमा भगवान राम की यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई लक्ष्मण भरतपुर में जी माँ जानकी सीता में ये राजाओं ने आपस में बांट ली थी, सीमा एक थी, इसलिए जानकी कहाँ करौली में, करौली में माँ जानकी करौली में, भाई लक्ष्मण भरतपुर में जी, और राम जी यहाँ पे। आप सुन चुके हैं ये तीनों जो हैं राम लक्ष्मण और जानकी, तीनों की मूर्तियाँ अलग अलग स्थानों पर हैं, जिसमें जानकी के दर्शन हम करौली से आपको करवाएंगे।